हेलो एवरीवन, वेलकम टू तरुण आयस अकेडमी। दिस साइड सौम्या, स्वागत करते हैं आप सभी का तरुण आयस अकेडमी पे। जी हाँ, मास्टरमाइंड कौन है नीट एग्जाम का? नीट एग्जाम का मास्टरमाइंड कौन है? कौन है वो शख्स जिसने एक तरीके से इतने सारे बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया, जिसने जो है इतना बड़ा अपराध करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि वो अपराधी है तो है कौन। सिकंदर यादविंदु जो है वो अपराधी हैं जिन्होंने नीट स्कैम किया, जिन्होंने नीट का पेपर जो है वो कुल मिला के लीक किया। बात यह है कि बिहार पुलिस ने कहा है कि ये मास्टरमाइंड है जो कि आपके पूरे नीट स्कैम के पीछे हैं। तेजस्वनी यादव का इससे क्या लेना देना है? दरअसल तेजस्वनी यादव के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं, उनके रिलेटिव हैं, उनके रिश्तेदार हैं सिकंदर यादविंदु। ठीक है, तो जो तेजस्विनी यादव हैं उनके उनके सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी के रिश्तेदार हैं सिकंदर यादविंदु। ठीक है, तो सिकंदर यादविंदु यहां पे आप देख सकते हैं, ये है सिकंदर यादविंदु अपना मुंह छुपाते हुए। पता नहीं अब क्यों छुपा रहे हैं, इतना बड़ा काम करने से पहले जो है इन्होंने नहीं सोचा। अब बात है ये दरअसल है कौन। ये अपने आप में पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जूनियर इंजीनियर हैं, जो कि काम करते हैं दानापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। यानी दानापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बतौर जूनियर इंजीनियर के पद पर जो है ये कार्यरत हैं, और इन्होंने जो है इतना बड़ा काम कर दिया कि इतने सारे बच्चों की जिंदगियों के साथ जो है इन्होंने खिलवाड़ किया। अब इसी के साथ देखिए होता क्या है कि ये जो शख्स हैं, ये मेन शख्स हैं जिन्होंने पेपर लीक किया। अब इन्होंने खुद पेपर लीक नहीं किया, प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा। इन्होंने जो है दो फर्दर लोगों को हायर किया। ठीक है, अब इनका नाम क्या था? एक का नाम था अमित आनंद, दूसरे का नाम था नीतीश कुमार। ठीक है, अब इन दोनों को इन्होंने हायर किया, और इन दोनों ने, यानी कि अमित आनंद और नीतीश कुमार ने जो है यहां पर पेपर को लीक किया। यानी कि इन दोनों ने जो है पेपर बांटे, ये दोनों ने जो है पेपर को बांटा। ठीक है, सिकंदर ने जो है पेपर इन्हें पास किया। उसके बाद प्रीतम कौन है? देखिए प्रीतम कुमार जो है, माना जा रहा है कि ये एक बहुत क्लोज इनका रिश्ता है तेजस्विनी यादव से, यानी तेजस्विनी यादव के राइट हैंड माने जाते हैं प्रीतम कुमार, और इनको भी बुक किया गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने वो सारी सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, पेपर कहां पे जाएगा, पेपर कहां से बांटा जाएगा, यानी कि पूरा गेस्ट हाउस इन्होंने जो है बुक किया, जहां पे बच्चों को जो है, यानी कि इन दोनों लोगों ने, जो अमित आनंद है और नीतीश कुमार है, इन दोनों ने जो है वहां पे पेपर, जो बच्चे हैं उनको पेपर दिया। और अब जो आपके सिकंदर यादविंदु थे, अब उनका एक तरीके से जो नेफ्यू था, ठीक है, वो तैयारी कर रहा था नीट के पेपर की कोटा में। सिकंदर उनको फोन करता है, बोलता है कि जो पेपर है, जो एग्जाम है, उसमें सेटिंग हो गई है, आप बिहार आ जाओ। वो लड़का जो है बिहार चला जाता है। बिहार जाके सिकंदर बताता है कि पेपर में सेटिंग हो गई है, 35 लाख रुपए दे दीजिए और पेपर, क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, आंसर्स को रट लीजिए और कुल मिला के अपनी सीट पक्की कर लीजिए। अब उस लड़के ने 35 लाख रुपए सिकंदर को दे दिए, सिकंदर ने पेपर दे दिया, और एक दिन पहले जो है, यानी नीट एग्जाम के एक दिन पहले ये सारी हरकतें होती हैं, नीट एग्जाम के एक दिन पहले ये सारी हरकतें होती हैं। जब सारा पेपर याद कर लिया, सारे क्वेश्चंस को, आंसर्स को जो है याद कर लिया, अगले दिन वो लड़का कहता है बिल्कुल वही पेपर जो है एग्जाम में देखने को मिला, यानी कि जिस पेपर को मुझे एक दिन पहले रटवाया गया था, बिल्कुल हूबहू वही पेपर जो है अगले दिन मुझे नीट एग्जाम में दिखता है। तो कुल मिला के यहाँ पे इतने बड़े स्तर पर जो है पेपर लीक हुआ है, और यही कारण है। अब तेजस्विनी यादव इस पूरे मामले में कैसे फंस गए? दरअसल तेजस्विनी यादव इस पूरे मामले में ऐसे फंसे हुए हैं कि उनके जो क्लोज एड्स हैं, इनके जो क्लोज रिश्तेदार हैं, कुल मिला के उनका जो है एक तरीके से हाथ है। अब तेजस्विनी यादव के पर्सनल सेक्रेटरी के रिश्तेदार, तो ऐसा लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि स्वाभाविक तौर पर क्या तेजस्विनी यादव को पता नहीं था कि इतनी बड़ी चीजें जो है उनके जो क्लोज एड हैं वो कर रहे हैं। तो कुल मिला के बस यही कारण है कि तेजस्विनी यादव पे जो है कुल मिला के एक हाईलाइट आ गया है कि क्या इनका भी जो है हाथ था, क्या इनका भी जो है रोल था। क्योंकि जो गेस्ट हाउस है वहां पे जब एंट्री होती है सरकारी गेस्ट हाउसेस में, तो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि कौन आया कौन गया, और उस कौन आया कौन गया में इन सभी के नाम लिखे हुए हैं। यानी कि ये सभी जो है वहां पे इन्होंने विजिट किया। अमित आनंद का नाम लिखा हुआ है, नीतीश कुमार का नाम लिखा हुआ है, सिकंदर यादविंदु का नाम लिखा हुआ है, वहीं ये जो आपके प्रीतम
कुमार हैं जिन्होंने गेस्ट हाउस को बुक किया, उनका जो नाम है बुकिंग में वो लिखा हुआ है, और एक लिखा हुआ है मंत्री जी। अब वो मंत्री जी कौन मंत्री जी हैं, इसका अभी जो है पर्दाफाश नहीं हुआ है, तो देखना होगा वो कौन मंत्री जी हैं जिनका पर्दाफाश होना बाकी है, वो कौन मंत्री जी हैं जो जो है इस पूरे स्कैम के पीछे हैं, और वो कैसे मंत्री जी हैं जो स्कैम करा रहे हैं। मतलब कहाँ तो मंत्रियों का काम क्या होता है कि जनता की सेवा करना, सभी चीज़ों को जो है सभी चीज़ें स्पष्ट रूप से चलें इस बात का पूरा संरक्षण करना, और यहाँ पे ये जो है ये मंत्री जी जो है ये अपने आप जो है पेपर को लीक कराने में लगे हुए हैं, तो यहाँ पे जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। तो मंत्री जी अभी कौन है जो उस गेस्ट हाउस के जो रजिस्टर है रिकॉर्ड है उसमें उनका नाम लिखा हुआ है मंत्री जी, तो वो अभी आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। अदरवाइज बाकी जितने भी लोग इससे इन्वॉल्व है वो सारे ही सामने आ चुके हैं, जिसमें सबसे मेन कल्प्रेट जो माना जा रहा है वो इन्हीं को माना जा रहा है, यानी कि जो मेन कल्प्रेट है वो कौन है, सिकंदर यादविंदु। सिकंदर यादविंदु जो है वो मेन कल्प्रेट है, आप यहां पे देख सकते हैं, जो कि जूनियर इंजीनियर है दानापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। तो यहां पे इस पूरे नीट स्कैम से कौन इन्वॉल्व है, क्या है सारी चीजें, यहाँ पे जो है स्पष्ट रूप से मैं आप लोगों के लिए पूरी वीडियो लेकर आई। आई होप अब आपको पता चल गया है कि नीट एग्जाम के पीछे कौन लोग हैं। बट एक बात साफ है, एग्जाम अगर किसी भी एग्जाम में स्कैम होता है तो बहुत सारी जिंदगियां जो है वो बर्बाद हो जाती हैं, बहुत सारी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आस जुड़ी है, उनके पास एक ही रास्ता है और वो है कि एग्जाम को पास करके जो है अपनी जिंदगी को स्टेबल करना, और जब वहां पे भी धांधली हो तो निराशा जो है वो एक अलग ही लेवल पे होती है। तो इसीलिए जो है यहां पे अब एंड करते हैं इस वीडियो का। आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल गई है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। इसी तरीके से वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी सिर्फ तरुण आईएएस चैनल पे। सब्सक्राइब कर लीजिए तरुण आईएएस चैनल को।